जानिए कल की अवतार के बारे में वो बातें जो आपसे छुपाया गया। कल की अवतार और इस्लाम। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि इस्लाम में भी है कल की अवतार की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। आप सभी ने तो कल की अवतार के बारे में पढ़ा या सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि ठीक ऐसे ही अवतार की भविष्यवाणी इस्लामिक धर्म ग्रंथों में भी की गई है। इस्लामिक धर्म ग्रंथों की माने तो दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसे शख्स की पैदाइश होगी जो नापाक हरकतों को ख़त्म करेगा और उसका नाम होगा मेहदी अलैहिस्सलाम। आप देख रहे हैं हरी भक्ति वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हैरानी की बात यह है कि कल्कि अवतार की ही तरह मेहदी के बारे में भी बताया गया है, जो दोनों में समानताएं दर्शाता है। कल्कि और मेहदी दोनों के बारे में यह माना जाता है कि यह तब प्रकट होंगे जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा। दुनिया में अच्छाई खत्म होने लगेगी और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कलयुग के अंत में जब चारों तरफ बुराई अपना पांव फैला चुकी होगी, तब वो बुराई को समाप्त करने के लिए अच्छाई के दूत बनकर आएंगे। इस भविष्यवाणी में कल्कि की तरह ही मेहदी के भी प्रकट होने के स्थान के बारे में बताया गया है। जैसे कल्कि के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म भारत के किसी गांव में होगा, ठीक उसी प्रकार मेहदी के बारे में भी कहा जाता है कि वह पूर्व दिशा से आएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत अरब के पूर्व में ही स्थापित है, इसीलिए कहा जाता है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप में ही कहीं पैदा होंगे। दोनों के बारे में एक और बात है जो एक सम्मान बताई गई है और वो है सफेद घोड़ा। कहा जाता है कि कल्कि की तरह ही मेहदी भी सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। वो घोड़ा बेहद शानदार बिजली जैसी हरकत वाला और हवा से बातें करने वाला होगा। भविष्यवाणी में कल्कि की तरह ही मेहदी के पास भी दो तलवारें होने का जिक्र भी है। कहा जाता है कि मेहदी के दोनों हाथों में तलवारें होंगी। इन्हीं तलवारों की मदद से वह दुनिया से बुराई का सर्वनाश करेंगे। इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के पास हजरत सुलेमान की चमत्कारी अंगूठी होगी। ऐसी ही बात भगवान कल्कि के बारे में प्रचलित है कि वो कौस्तुम मणि धारण करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार जब कल्कि अवतार लेंगे उस समय इंसान का कद बेहद छोटा होगा, यानी मनुष्य बोना हो जाएगा। इसी तरह इस्लाम में भविष्यवाणी है कि उस समय इंसान की उम्र 7 साल रह जाएगी। दोस्तों सच क्या है, ये तो भविष्य की गहराई में अभी छिपा हुआ है। लेकिन ये भी एक सच है कि कलयुग के अंत होने में अभी बहुत समय बाकी है। हम और हमारी कई पीढ़ियां इन अवतारों के होने से पहले धरती से चली जाएगी। मित्रों आपको क्या लगता है, हिंदू धर्म के साथ साथ क्या इस्लाम में भी हो सकता है कल्कि अवतार, या फिर ये सब अफवाह है? हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबाएं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं।